बिल्कुल, और देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो तमाम चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन पहली बार एबीपी न्यूज वहां पर पहुंचा जिस जगह पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है और भीतर 41 लोग फंसे हुए हैं। बड़कोट की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, वहां पर और क्या कुछ चल रहा है मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, चलिए देखते हैं। उत्तरकाशी के सिल्कयार्ड में 41 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज उस सुरंग तक पहुंच गया है, उसके भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। बड़कोट की ओर की तरफ से मैं यहां इस सुरंग में खड़ा हूं और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत ये पूरी सुरंग बनाई गई है जिसकी लगभग लंबाई 4.5 किलोमीटर है। बड़कोट से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा तक सुरंग बनाई जा चुकी है और आप देख सकते हैं आगे तक, जहां तक देखेंगे आपको ये टनल नजर आएगी जिस पर रेल की पटरियां बिछाने का काम बाद में होगा जब ये टनल पूरी तरह बन जाएगी। अभी 41 मजदूर उसी सुरंग में फंस गए हैं जहां पर ये रेल लाइन बनाने का काम जारी है और चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बड़ा किया गया है, 5 तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक केवल सिल्कयार्ड की तरफ से ही जो ऑगर मशीनें और दूसरी मशीनें हैं उनको डालकर काम चलाया जा रहा था, लेकिन अब दायरा बढ़ा दिया गया है, 5 तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, सिल्कयार्ड से चलाया जाएगा, इसके अलावा टनल के ऊपरी हिस्से से भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, दाईं और बाईं ओर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और बड़कोट जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ से भी एक पैरेलल टनल बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। हवा पानी के इंतज़ाम है, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, 6 इंच का एक पाइप भी भीतर तक पहुंच चुका है जिसके जरिए उन्हें पौष्टिक आहार भी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन अभी 9 दिन बीतने के बावजूद वो श्रमिक भीतर ही फंसे हुए हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कई सारे जो श्रमिक यहाँ खड़े हैं वो उनके साथी हैं। बार बार इनके मन से ये दुआ निकलती है, प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे साथी भीतर हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकल के आए हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र, उत्तराखंड से। 41 मजदूर आपके इसी रास्ते पर फंसे हुए हैं आगे थोड़ी दूर पर, क्या मन में रहता है भाव आपके? आप भी यहीं पर काम कर रहे हैं, आपके साथी संगी हैं। सर क्या करें, बुरा तो लगता है, अभी अब टाइम से जल्दी हो जाएगा तो बाहर निकल जाएंगे। 9 दिन बीत गए हैं, अंदर फंसे हुए लोग हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर हम आसाम से हो। आसाम से? हाँ जी। आपके साथ काम करने वाले लोग अंदर फंसे हुए हैं? वही तो सर, जल्दी से जल्दी निकालना है। वही बोलो, कोशिश की जा रही लगातार। हाँ सर, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन फिलहाल तो वालों को निकालना है, जल्दी से निकालना है। सबके परिवार इंतजार कर रहे हैं, सबके घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये लोग जो हैं ये बाहर निकल के आए। आप कहाँ से हैं? जी सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से? क्या नाम है आपका? शिवम कुमार सर। शिवम कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर मेरे को हो गया 7-8 महीने। जी सर, बिहार के भी श्रमिक अंदर भीतर मौजूद है, क्या रहता है मन में, सोचते हैं उनके बारे में, उनकी तकलीफ को महसूस करते हैं? जी सर, फोन से मैं दुआ करता हूँ निकल जाए तो अच्छे, अति सुंदर है सर। यहाँ जो जहाँ पर इस सुरंग का आखिरी हिस्सा है जहाँ तक काम हो चुका है उससे कितनी दूर पर ये मजदूर फंसे हुए? वही 400-500 मीटर हो जाएगा सर। 400-500 मीटर, तो ये ब्लास्ट करने का मकसद ये है कि इन मजदूरों तक जल्दी जल्दी पहुँचा सके। जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छा बात है सर। और टनल में जितनी जल्दी पहुँचा जा सके, चूँकि ये बहुत गहरी सुरंग है और आगे की ओर जहाँ तक आप देखेंगे सुरंग नजर आएगी क्योंकि लगभग 1700 मीटर की सुरंग है, 2 किलोमीटर का दायरा जरूर है जहाँ पर टनल धसी है और जहाँ पर ये आखिरी सिरा है जहाँ तक खुदाई हो चुकी है, टनल बन चुकी है, तो दोनों के बीच में 2 किलोमीटर की रास्ता जरूर है, लेकिन 2 किलोमीटर ही हो, 41 मजदूर 9 दिन से फंसे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना कष्टकारी है। ये सुरंग में मैं खड़ा हूँ, बहुत गहरी सुरंग है, लगातार इसको बनाने का काम यहाँ चल रहा है, श्रमिक भी यहाँ पर लगे हुए हैं और सब मन से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सुरंग से में फंसे हुए उनके साथी हैं, मजदूर हैं, वो निकल कर के आए। मतलब जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं 41, उनको निकालना ही तो टास्क है। हाँ वही वही है, मेन वही है, वो जो हम लोग अभी बना रहे हैं ना। आप लोग कब से काम कर रहे हैं? मेरा हो गया 1.5 साल हो गया। कहाँ से? बिहार से। बिहार से। कई सारे साथी आपके बिहार के भी वहाँ अंदर फंसे हुए हैं, तो कैसे निकलेंगे, क्या टास्क बना रखा, क्या टारगेट है? 9 दिन हो गए। मेन वर्क सर हम लोग का उस साइड में हो रहा है, जो सिलकरा साइड है ना, वो वर्टिकल जो शाफ्ट है वो वर्टिकल ड्रिलिंग बना के उन लोग को निकाला जाएगा। मेन पर्पस सिलकरा साइड में से पता चलेगा, सिलकरा की तरफ से होगा, इधर से भी लेकिन काम शुरू से भी काम स्टार्ट हुआ है अभी। तो सभी के मन में कहीं ना कहीं ये मनसा है कि जल्द से जल्द ये जो 41 श्रमिक हैं ये बाहर निकल के आएँ और सभी को राहत मिल सके। कैमरामैन
फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, बड़कोट, उत्तरकाशी। तो ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट आपने देखी और साथ ही मजदूरों से भी उन्होंने बात की। चिंता साफ तौर पर चेहरों पर दिखाई दे रही है और यही कहा जा रहा है साथियों की तरफ से भी कि जल्द से जल्द कोशिश की जाए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी कैसे भी करके उनके साथियों को बाहर निकाला जाए। अब ग्राउंड जीरो पर आखिरकार स्थिति क्या है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उत्तरकाशी से सीधा लाइव मेरे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हैं। अब दीपक, 10वां दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का। ये कहा जा रहा है कि तमाम आधुनिक मशीनें वहां पर लगाई गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे लगातार चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कमी कहां पर रह जा रही है, क्यों वह सफलता नहीं मिल पा रही है और आज का अपडेट क्या है? देखिए, जो ड्रिलिंग चल रही थी जिसके जरिए पाइप डाले जाने थे, लोगों को बाहर निकालना था, वो 2-3 दिन से काम बंद है, इस वजह से देरी हो रही है। इसके पीछे की जो वजह बताई गई वो ये कि पहले दिन तो मलबा गिर गया, अब दूसरी बात ये कही गई कि हम लोग लाइफलाइन वाली पाइप डाले थे जो अभी जिसके जरिए हम ये तस्वीरें अंदर की देख पा रहे हैं, 6 इंच चौड़ा पाइप। तो जब एक बारी में, इनका ये कहना है कि एक बारी में एक ही पाइप ड्रिल किया जा सकता है क्योंकि कंपन बहुत ज़्यादा होती है, मलबा गिरने का डर रहता है, इसलिए पहले उसे इंस्टॉल किया गया जो कल देर शाम तक इंस्टॉल हो गया है। अब जो है वो मेन ड्रिलिंग का काम जो है आज शुरू होगा, यानी कि अब बड़े पाइप डाले जाएंगे ताकि उन मजदूरों को, उन 41 लोगों को उसके रास्ते बाहर निकाला जा सके। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर ये है जो आज हम दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर कि एंडोस्कोपिक फ्लैक्स कैमरा की मदद से इनकी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सब लोग ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इन तक वॉकी टॉकी भी भेजा गया है, वॉकी टॉकी की मदद से ये लोग अपनी बातें बाहर बता पा रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात ये कि अब तक ये लोग ड्राई फ्रूट्स, चना, ये सब चीज़ें खा रहे थे, लेकिन अब इनके पास खिचड़ी, दलिया, चावल, दाल, इस तरह की बड़े बड़े आइटम्स भी अब अंदर भेजे जा रहे हैं, तो उनको अब ज़्यादा दिन तक वहाँ पर रखा जा सकता है, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है। लेकिन आज से जो ड्रिलिंग का काम शुरू होगा, मेन ड्रिलिंग का काम जहाँ पाइप डाले जाने हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आज ड्रिल कर दिया गया या कल तक ड्रिल कर दिया गया तो ये लोग बाहर आ सकते हैं, वरना उसमें और ज़्यादा वक्त लग जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सबसे राहत की बात यही है, सुकून भरी बात यह है कि दीपक सभी सुरक्षित हैं और परिवार के लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।